नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। बिजनौर जिले की नहटौर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने पहुंची दिल्ली चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा पर अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से हमला किया गया, जिसमें विधायक अलका लांबा को मामूली चोटें आई है। देर रात बिजनौर की नहटौर नगर पालिका में अलका लांबा द्वारा जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। जनसभा को संबोधित करने के बाद जब उनका काफिला मंच से उतरकर आगे की ओर बढ़ा तो अचानक अलका लांबा के ऊपर किसी ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे सभा में अफरी तफरी मच गई, जिसके बाद नाराज हुए अलका लांबा वापस दिल्ली के लिए निकल गई। उधर आप पार्टी की विधायक पर हुए हमले की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे द्वारा कड़ी निंदा जाहिर की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्य का विधायक उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। साथ ही उन्होंने हमले को विपक्ष की साजिश करार दिया। एल्युमिनियम के फॉइल में लपेट के और अलका जी के सर पे दे मारा, जिससे काफी चोट आई है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है ये। हालांकि वैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत बदतर है, और हालिया ऐसी तमाम घटनाएं आपकी नज़र में होंगी जिसकी वजह से स्पष्ट होता होगा। लेकिन ये जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये विपक्ष में जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो दस्तक है, चुनावी दस्तक, उस दस्तक से घबराए हुए लोग हैं, उस दस्तक से डरे हुए लोग। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग निकाय के चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव का विकल्प ढूंढ रहे हैं। उस विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उन्हें विकल्प का भाग दिख रही है। दिल्ली के अंदर जो बदलाव आए, चाहे वो शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हो, पानी की सप्लाई को लेकर हो, या हाउसेस की माफी की बात हो, जिन वायदों को दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी ने पूरा किया, उन वायदों को पूरा होता हुआ यहाँ की जनता देखना चाहती है। लिहाजा वो हमारी सभाओं में उमड़ कर आ रही है। हम हालांकि चुनाव आयोग की जो प्रोसेसेस हैं उनको अडहेयर करते हुए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी होना एक्सपेक्टेड, लेकिन वो नहीं हो रहा है।